हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आज का वीडियो सीलिंग फैन कॉइल वाइंडिंग पार्ट टू में आपका स्वागत है। देखिए, इन सारे होल में इंसुलेशन पेपर काट कर लगाना है। देखिए, इस प्रकार से मैंने पहले से काट के रखा है। जिस प्रकार स्टार्टिंग कॉइल के होल में इंसुलेशन पेपर काट कर लगाया गया था, ठीक उसी प्रकार इस रनिंग वाले होल में भी पेपर काट के लगाना है। स्टार्टर की मोटाई से इसे थोड़ा सा बड़ा साइज पेपर काटना है। जिस प्रकार स्टार्टिंग कॉइल को बनाया गया है, उसी प्रकार ये रनिंग कॉइल को भी बनाया जाएगा। जिस प्रकार स्टार्टिंग कॉइल बनाने में सारा काम हुआ है, ठीक उसी प्रकार रनिंग कॉइल बनाने में सारा काम होगा। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग कॉइल का टर्न कुछ कम होता है और रनिंग कॉइल का टर्न उससे अधिक होता है। अब मैं इसमें इस प्रकार सफेद वाला इंसुलेशन पेपर लगाऊंगा। देखिए, इस जगह पे जहां से स्टार्टिंग कॉइल का वाइंडिंग शुरू किया था, उसके ऊपर वाले ही होल से इस पेपर को लगाऊंगा। यहीं से ये रनिंग कॉइल का भी वाइंडिंग शुरू होगा। इस पेपर का लगाने के क्या क्या फायदा हैं, मैंने पिछले वीडियो सीलिंग फैन कॉइल वाइंडिंग पार्ट वन में बता चुका हूं। देखिए, अब मैं ये रनिंग कॉइल का, देखिए वायर मैंने डालना शुरू कर दिया है। देखिए, सबसे पहले इसे इस प्रकार गोल गोल सीधा घुमाना है। जिस प्रकार स्टार्टिंग कॉइल को लपेटा गया था, ठीक उसी प्रकार रनिंग कॉइल को इस प्रकार गोल गोल सीधा घुमाएंगे, फिर उल्टा घुमाएंगे, गोल गोल उल्टा घूमेगा, उसके बाद फिर इस तरह गोल गोल सीधा घूमेगा, फिर उल्टा घुमाया जाएगा। इसी प्रकार ये सारा कॉइल, जिस प्रकार ये स्टार्टिंग कॉइल बना है, उसी प्रकार ये रनिंग कॉइल बनेगा। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा करके इस कॉइल को पूरा करना है, जिस प्रकार मैंने स्टार्टिंग कॉइल को पूरा किया है। देखिए, स्टार्टिंग कॉइल में टर्नों की संख्या मैंने 360 दिए थे और रनिंग कॉइल में टर्नों की संख्या मैं 380 दूंगा। स्टार्टिंग कॉइल से कुछ ज्यादा टर्न ही रनिंग कॉइल में दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो सीलिंग फैन कॉइल वाइंडिंग पार्ट वन नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि सीलिंग फैन का वाइंडिंग किस प्रकार किया जाता है। ये देखिए, मैंने रनिंग कॉइल को लपेट कर कंप्लीट कर दिया है, या कहें कि बांध कर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है, एक ही बात है। अब मैं इस वायर को काट देता हूं यहां से, और ये वाला जो इंसुलेशन पेपर है सफेद वाला, उसे इस प्रकार खींचकर, यानी कि सरका कर धीरे धीरे बाहर निकालना है। देखिए, इसे धीरे धीरे खींचना है और इसे बाहर निकाल देना है। आराम से खींचना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए, ये दो वायर रनिंग कॉइल का है और ये दो वायर स्टार्टिंग कॉइल का है। देखिए, ये स्टार्टिंग कॉइल में जिस प्रकार लॉक लगाया गया था इंसुलेशन पेपर का, उसी प्रकार
ये रनिंग कॉइल में भी लॉक लगाना है। लॉक लगाना जरूरी होता है, नहीं तो वायर जो है बाहर की ओर निकल जाएगा, इसलिए लॉक लगाना जरूरी होता है। देखिए ये सारे होल में लॉक लगा दिए जाएंगे। देखिए मैंने रनिंग कॉइल में लॉक लगा दिया है। ये लॉक इंसुलेशन पेपर को काटकर बनाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। देखिए दो वायर स्टार्टिंग कॉइल का और दो वायर रनिंग कॉइल का, यानी कि चार वायर इसके कनेक्शन के लिए निकाला जाएगा। तो इस वायर पे इंसुलेशन लगा हुआ रहता है जिसे छुड़ाना जरूरी होता है। अगर छुड़ाएंगे नहीं तो इसके वायर को कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसके इंसुलेशन को देखिए इसे जला देते हैं इस प्रकार से। देखिए ये चारों वायर का इंसुलेशन थोड़ा थोड़ा जला दिया गया है सामने से। अब इसमें वायर का कनेक्शन किया जाएगा। देखिए ये है स्लीव पाइप, मेरे पास एक नंबर और तीन नंबर का स्लीव पाइप है। ये एक नंबर का स्लीव पाइप है जिसे मैं इस प्रकार नापकर काट लेता हूं और इस कॉपर वायर में इस प्रकार डाल देता हूं। इसी प्रकार नाप नाप कर चारों वायर में, यानी कि चारों कॉपर वायर में इस प्रकार काट कर डाल देना है। मैं हमेशा एक नंबर और तीन नंबर का ही स्लीव पाइप इस्तेमाल करता हूँ। मुझे एक नंबर और तीन नंबर का स्लीव पाइप इस्तेमाल करना आसान लगता है। ज़्यादातर लोग एक नंबर और दो नंबर का ही स्लीव पाइप इस्तेमाल करते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो पसंद आए उस प्रकार आप स्लीव पाइप का इस्तेमाल करें। ये देखिए ये इस प्रकार चारों वायर में एक कॉटन स्लीव पाइप एक नंबर का देखिए मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें अलग से वायर को जोड़ेंगे। इसमें मैं अलग से वायर जोड़ रहा हूँ। ये स्टार्टिंग कॉइल में काले रंग का वायर मैं जोड़ रहा हूँ। मैंने पहले से तीन नंबर का स्लीव पाइप काट के रखा है। देखिए इसमें इस प्रकार डाल देता हूँ। स्लीव पाइप का पूरा नाम कॉटन स्लीव पाइप है। देखिए इसमें भी स्लीव पाइप देखिए मैं डाल दिया। अब रनिंग कॉइल में लाल रंग का वायर मैं जोड़ रहा हूँ। स्टार्टिंग कॉइल में काले रंग का वायर मैंने जोड़ा है और रनिंग कॉइल में लाल रंग का वायर मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए इस प्रकार मैंने चारों वायर को जोड़ दिया। अब इन वायरों को
धागे से अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि वायर टूटे नहीं। इसे बहुत ही टाइट बांधना चाहिए, जितनी अधिक मजबूती से बांध सकते हैं इसे बांध देना चाहिए धागे से। जिस जगह पे इस चारों वायर को जोड़ा गया है उस जगह पर हमेशा टूटने का डर बना रहता है, इसलिए इसे धागे से अच्छी तरह से बांध दिया जाता है ताकि वायर जुड़े हुए जगह पर से टूटे नहीं। और इसे हमेशा टाइट बांधना चाहिए। देखिए मैंने चारों वायर को धागे से अच्छी तरह से बांध दिया है। इन चारों वायर को पूरी टाइट से बांधना चाहिए ताकि जिस जगह से इस वायर को जोड़ा गया है उस जगह से टूटे नहीं। देखिए अब अलग से एक वायर ले लेते हैं इस प्रकार से और इसे शाफ्ट के अंदर देखिए इस प्रकार से डाल देते हैं और नीचे होल के पास से इसे बाहर निकालते हैं चिमटे की मदद से। देखिए इस प्रकार इसे बाहर की ओर निकाल लिया जाता है। अब इन चारों वायर को आपस में अच्छी तरह से जोड़ देते हैं। इसे जोड़ने के बाद शाफ्ट के अंदर जो वायर मैंने डाल के इस होल से निकाला है उस वायर को इसमें अच्छी तरह से जोड़ देते हैं। इसे जोड़ने के बाद देखिए इसे धीरे धीरे खींचते हैं ऊपर की ओर ताकि ये चारों वायर इस शाफ्ट के अंदर से घुसकर ऊपर की ओर निकल आए। इसे धीरे धीरे खींचना है इस वायर को। बिल्कुल धीरे धीरे खींचना है आराम से। इस प्रकार वायर को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये दो काले वाले वायर स्टार्टिंग कॉइल के हैं और ये दो लाल वाले वायर रनिंग कॉइल के हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए इस डब्बे में वार्निश है, इसे इस पूरे कॉइल में वार्निश डालना है। इसमें अच्छी तरह से वार्निश डालना चाहिए इस कॉइल में, दोनों तरफ से वार्निश डालना है, ऊपर से भी और इसके पीछे साइड भी डालना है। देखिए ये पुराना टूथब्रश लेकर मैं इसमें वार्निश डालूंगा। बहुत से लोग वार्निश के डब्बे का जो ढक्कन है उसे हल्का सा खोलकर इस पे गिरा देते हैं, लेकिन मैं टूथब्रश से ही इसमें वार्निश लगाऊंगा। मुझे इसी तरह से पसंद है वार्निश डालना। आपको जिस प्रकार पसंद हो उस प्रकार से इन कॉइल में वार्निश डाल सकते हैं। वार्निश डालने के बाद इसे अच्छी तरह से सूखने देना चाहिए। जब वार्निश पूरी तरह से सूख जाए तभी इसे पंखे में फिट करना चाहिए।
वार्निश देने से क्वाइल हीट कम करता है, जलने का संभावना कम हो जाता है। देखिए इस तरफ भी वार्निश देना जरूरी है। वार्निश आप जितनी अच्छी तरह से दें उतना बढ़िया ही रहेगा। वार्निश देने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखाना जरूरी होता है। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया हूं कि वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें ताकि हमारे जैसे यूट्यूबर का हौसला बुलंद होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए मैंने इसमें वार्निश अच्छी तरह से लगा दिया है, इस प्रकार सीलिंग फैन कॉइल वाइंडिंग का काम पूरा हो जाता है।